आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आज ही लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ उसके साथ जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी जल्दी से दबाएं, जिसके कारण जैसे ही वीडियो हमारी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि तक मैं बात कर चुका था, आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। जुलाई का महीना काफी ठीक ठाक आपका रहने वाला है, खास तौर से अगर आपने नई नई शादी हुई है तो काफी जो है जो आपका दाम्पत्य जीवन है काफी अच्छा रहेगा। हालांकि विघ्न सेहत में थोड़ा सा क्लेवरनेस आपको दिखानी होगी, इसके साथ आपको भाग्य का साथ भी थोड़ा कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आंख नाक कान खोल कर ही अपने बिजनेस के निर्णय को लें। साथ ही साथ अगर आप छात्र हैं और कोई मनवांचित कोई नतीजे की अपेक्षा कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हताशा का सामना यहाँ पर करना पड़े। हालांकि इससे आप निराश तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत देर के लिए, एक या दो दिन के लिए आप जरूर डिप्रेस रहेंगे, लेकिन इससे फिर आपको नया मनोबल मिलेगा आगे कार्य करने के लिए। रिजल्ट अच्छे ना आने के कारण थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से के आप हो सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा भी आपका कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और आप मोटिवेट होकर दोबारा कार्य में लग जाएंगे। बात करते हैं पहले सप्ताह की। सप्ताह में थोड़ा सा अशांत आप रह सकते हैं, मानसिक अशांति जिसे आप बोल सकते हैं कि रहेगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ खर्चों की अधिकता एवं गलत निर्णय से आपको नुकसान की भी यहाँ पर संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पहला जो सप्ताह है उसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान से चलने की आवश्यकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा महीना दाम्पत्य जीवन और नए जिन्होंने शादी की है उनके लिए काफी अच्छा है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। अधिकांश कार्यों में बाधाएं आने से आपको थोड़ा बहुत निराशा जरूर होगी, लेकिन बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन आपका कार्य आपके मन के अनुरूप होगा, तो जो भी बाधाएं आए उनको फेस करें और उनसे घबराए ना। समय अवधि में नए कार्य में शामिल होना पड़ सकता है, जोखिम और सहजपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करना हानि का कारण बन सकता है। निवेश का के कार्यों में थोड़ा बहुत अगर आप बच जाएं या थोड़ा सा अगर आप इसको आगे आने वाले समय के लिए छोड़ दें तो काफी अच्छा आपके लिए रह सकता है। बात करते तीसरे सप्ताह की। घर परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करने के संयोग बनेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय प्रयास करने से आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। अतिरिक्त कार्य प्रभार मिल सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिए स्थिति थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक यहाँ दिखा रही है, ज्यादा नहीं है, और ध्यान दीजिए अपने प्रेम प्रसंगों पर। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ते टूटने तक की बात यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका सह पार्टनर है वो आपकी अटेंशन को चाहता है, पिछले 3 सप्ताहों से आप उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दीजिएगा। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। मित्रों और रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ने की संभावना यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई देती है। घर परिवार में हालांकि सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आपकी सक्रियता जैसे मैंने आपको शुरू में बताया सही रहेगी। सप्ताह में विरोधियों को कमजोर करने में आप सफल रहेंगे। नौकरी के कार्यों में मेहनत की बजाय बुद्धि का पल आपको प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं उपायों की। तो उपाय में आप हनुमान जी की पूजा आप करते रहिए, 14, 15, 22, 23 और 24 को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। कुल मिला के महीना एवरेज है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, नई नई शादियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पारिवारिक दृष्टि से देखें या पारिवारिक प्रॉपर्टी से देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी की पूजा करते रहिए और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप 9411848508 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि कृपया करके जो वीडियोज़ मुझे भेजे जाते हैं, कई बार कुछ हंसी मजाक के वीडियोस मुझे भेजे जाते हैं, कुछ इमेजेस मुझे भेजी जाती हैं, कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का दोस्ताना व्यवहार ना करें, क्योंकि आपकी जो इमेजेस हैं वो मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि वो ये मेरा प्रोफेशनल नंबर है, इस पे मैं आपसे बात तो नहीं कर पाऊँगा। जो भी बात आपकी है वो आप जो क्वेश्चन आपके हैं वो आप मुझे भेजिए, और जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं
वो सारे पेड होते हैं। कई लोग मुझे बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ इस नंबर पर ना कीजिए। होता कुछ भी नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे ऐड करते हैं, मैं जैसे ही उसको देखता हूँ या मेरी टीम उसको देखती है वो वहाँ से क्विट कर जाती है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मुझे इस तरह के ग्रुप्स वगैरह में इत्यादि में आप मुझे संलग्न ना करें। साथ ही साथ जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो पेड होते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं और साथ साथ आप मेरा ईमेल एड्रेस भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए।